आयुर्वेद समाधान में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी रसोई में प्रयोग होने वाले मसालों में से एक होता है धनिया। धनिया हमारे खाने को स्वादिष्ट बनाने का काम करता है। धनिया खाने को स्वादिष्ट ही नहीं बनाता, बल्कि इसके कई सारे औषधीय गुण भी हैं, तो ये हमारे जीवन को भी निरोग बनाता है। आप ये तो सब जानते होंगे कि धनिया की पत्ती जो होती है उन्हें चटनी बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। जब भी आप धनिये को प्रयोग में ला रहे हो तो इस बात का ध्यान अवश्य देना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ हो और उसमें मिट्टी के कण नहीं हो, क्योंकि ये आपको कई तरह की बीमारियां दे सकता है। आइए जान लेते हैं धनिये के फायदों के बारे में। सबसे पहले इसका फायदा है कि ये आर्थराइटिस में बहुत अच्छा माना जाता है। धनिये में जो मौजूद गुण होते हैं वो आर्थराइटिस की समस्या को ठीक करने में कारगर होते हैं। धनिये में एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, लिहाजा ये चोट और घाव को जल्दी भर देता है। यदि मुंह से संबंधित घाव है तो आपको धनिये का रस पीना चाहिए, वो घाव भी आपके जल्दी भर जाएंगे। नर्वस सिस्टम को ठीक करने में भी धनिया रामबाण माना जाता है। अगर किसी को अल्जाइमर की समस्या है तो उसको धनिये का सेवन करना चाहिए। अगर आंखों में जलन है तो उसको दूर करने के लिए मिश्री सौंफ और धनिये के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर इसका चूर्ण तैयार कर लें और इस चूर्ण का सेवन भोजन के बाद करें। इसके सेवन से आपको आंखों, हाथों में पैरों की जलन से छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको सिर दर्द में भी राहत मिल जाएगी। अगर पेट की गैस है तो उसको दूर करने के लिए धनिये की चाय का सेवन आपको करना चाहिए। इसमें 2 कप पानी में जीरा और धनिया डाला जाता है, साथ ही चाय पत्ती सौंफ डालकर कुछ देर तक पकाया जाता है। बाद में इसमें शक्कर मिला ली जाती है। इसमें शक्कर की जगह शहद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका सेवन करने से पाचन संबंधित समस्याओं से राहत मिलती है और गले में होने वाली समस्याओं में भी आराम मिलता है। पथरी के इलाज में भी ये बहुत कारगर होती है। पथरी होने पर धनिये के पत्तों को उबाल कर छान कर इसका सेवन सुबह खाली पेट करना चाहिए। ऐसा करने से पेट की पथरी यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। मुहासों के लिए दोस्तों धनिया बहुत अच्छा होता है। मुहासों और चेहरे के काले धब्बों को हटाने के लिए धनिये की पत्तियों को पीस लीजिए, फिर उसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर उसका लेप तैयार कर लीजिए। इस लेप को दिन में 2 बार लगाइए। ऐसा करने से आपको जल्द ही मुहासों और काले धब्बों से राहत मिल जाएगी। अगर मुंह में घाव हैं तो उनको ठीक करने के लिए धनिया फायदेमंद होता है। धनिये में एंटीसेप्टिक जो गुण होते हैं वो मुंह के घाव को एकदम ठीक कर देते हैं। अगर किसी के बाल झड़ते हैं तो धनिये का रस निकाल कर अपने सिर पर लगाइए और सिर को थोड़ी देर बाद आप धो लीजिए। आपके बाल झड़ना तत्काल बंद हो जाएंगे। नींद की समस्या आने पर आप धनिये को मिश्री में मिलाकर उसकी चटनी बनाएं और उसका सेवन दिन में 2 बार कीजिए। इस उपाय को करने से आपको अच्छी और गहरी नींद आएगी। दोस्तों, आयुर्वेद समाधान जीवन जीने की एक पद्धति है जिसमें बताए गए नुस्खे वैद्यों की राय के मुताबिक होते हैं। जीवन को निरोग बनाने के लिए सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए आयुर्वेद समाधान, क्योंकि आयुर्वेद समाधान है हर रोग का निदान।